ये देखो जी, चल दिए हैं हम और आज मुंह लगाने वैक्सीन लगवाने। इधर देखो, हनु बता रहा है कि घूमी इधर होएगी। ये मेरा पुत्र ना सच में बड़ा समझदार हो रहा है। हनु, हम कहाँ से आते हैं घूमी करने? देख लो, बता रहा है, ये गाड़ी आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बस ऐसे ही रहने चाहिए। और सुबह हो गई कि मैं पूजा की लगी थी तैयारी में, नहा धो करके और फिर मैं कर रही थी ये बर्तन साफ पूजा के, प्लेट लोटा और ये दिया, और फटाफट से मैं ये साफ कर लेती हूँ फिर मैं पूजा करूँगी। और हनु भी उठ गया था, हनु के पापा नहा रहे थे और वो उनको परेशान कर रहा था, बाथरूम में ही खड़ा हुआ कर जाके उनके कपड़े ले जाके दे रहे थे वहीं पे, पैंट कभी पैंट ले जाके दे रहा है, कभी शर्ट प्रेस करे हुए रखे थे वो वहीं पे बाथरूम में ले जा रहा था। और ये देखिए, मैंने लोटा और ये साफ कर लिया है अच्छे से। अब मैं करूँगी पूजा अपनी डेली का ही, तो डेली का ही काम है सुबह का, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, पूजा, ये सब। आइए आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे मैं लगा रही थी टीका, क्योंकि बोलते हैं मैं जो मांग वगैरह बाद में भरती हूँ, पहले पूजा करती हूँ नहा धो करके, और बस सुने मांग भी नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि तिलक लगा के जब पूजा करनी चाहिए, तो मैं पहले तिलक लगाती हूँ अपने और तब मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद जो प्रसाद मिलता है उस, मतलब कि मिश्री रखती हूँ मैं प्रसाद में, प्रसाद लेकर के उसके बाद फिर मैं मीठा डाल के मुँह में प्रसाद, तब मैं मांग भरती हूँ अपनी। और देख, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनु मम्मा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अभी बना दो बेटे पटा। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, अभी मैं कर रही हूँ पराठा बनाने की तैयारी, और घी हो गया था खत्म, तो उसमें घी निकाल रही हूँ थोड़ा सा। और हनु को लग गई है पराठे की, क्या खाना है हनु को? पूटी। और हनु को खाना है पराठा, और अभी मैं बनाऊंगी पराठा। और रात की ना, रात मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, तो वो थोड़ी रखी है आलू की सब्जी, और बस फिर मैं बना लेती हूँ सिंपल पराठे, तो उसी से खा लेंगे सब्जी से। और अभी हनु ने पोटी कर दी थी, अभी मैं आटा बनाई थी, हनु के पापा दूध ले गए थे अब, तो इसीलिए अभी मैं करके आई हूँ उसको दूध से साफ करके। और हनु के पापा भी आ गए हैं देखो दूध लेकर के। अब हमारे दूध का टाइम हो गया है चेंज, सुखाने लग गया। पार्टी ले देंगे बेटा, अभी देंगे पार्टी। बनानी होगी ये पराठा, अभी बना रही थी, उसको धोए नहीं, नहीं भैया नहीं, अब बना रही हूँ बस। गर्मी हो रही है बहुत तेज धूप हो रही है, तो 8 बजे हैं और अब भी इतनी तेज धूप हो रही है, 8 बजे भी बहुत तेज। मैं दूध भी छान लेती हूँ, दूध 3 लीटर गर्म कर लिया और ये छान के रख देती हूँ, ये भी गर्म हो जाएगा क्योंकि फिर भी बहुत लेट तक ठंडा होता है फिर रखने के लिए। पूजा पाठ सब कुछ हो गया, हनु के पापा भी नहा लिए, आज उन्होंने क्या काम किया, उठ के ना सीधा अपने पापा के पास चले गए, आज पापा का लाडला। और ये इसकी नमकीन नहीं होती, और ये नहा रहे थे, और इनको पैंट ले जाके दे रहा कभी तो बाथरूम में, कभी शर्ट ले जाके दे रहा, मैं तो तैयार होके आऊंगे बाथरूम में। इतनी केयर करे ये अपने पापा की, पापा शर्ट, पापा शर्ट, पैंट तो इसको बोलना नहीं आता, शर्ट आता है, तो ला पापा शर्ट शर्ट पहन लो यही बाथरूम में। और ये दूध हो गया, ये मैं उतार लेती हूँ पीने वाला, ज्यादा गर्म नहीं करती। और फिर मैं यहाँ पे लगाने बनाने लगी थी, सॉरी पराठे, आटा मैंने बना के रखा हुआ था, दूध रख दिया था, हनु के पापा दूध लेके आए थे, और फिर मैं अब कर रही हूँ पराठा बनाने के लिए। हनु भी बोला था मम्मी पराठा, उसको पराठा चाहिए था, और ये मैंने गाय की रोटी बना दिया, ये पराठा मैं हनु के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ अंदर भी, वैसे मैं घी में ही बनाती हूँ अपने पराठे, और हनु के में तो मैं अंदर भी घी लगा के बना देती हूँ, वैसे तो कुछ नहीं खाता, थोड़ा बहुत 1-2 पीस पराठे का खा लेता है, तो खाते तो फिर हम ही है इसको, बस है कि हनु का नाम हो जाता है आदत, या ही कुछ तो खा ही लेता है वो। और आजकल तो पता नहीं इसको क्या हो रहा है, मैं इसको पराठा देती हूँ पीसीस तोड़ के दे देती हूँ छोटे छोटे से, जिससे गर्म होता है, और वो 1-2 एग उसमें से खाता है और फिर उन्हें उठा के बाहर डाल देता है गाय के लिए, ऐसे काम कर रहा है ये बच्चा। और फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ। हनु के पापा शॉप पे चले गए थे, वो बोले कि मैं इतना सफाई करके आ जाता हूँ फिर मैं नाश्ता कर लूँगा आके सफाई करके। और हनु को लगा देता उन्होंने खेल में, उसको
नमकीन देके बिठाया था थोड़ी सी, कि चल थोड़ी सी नमकीन खा ले इतना, और टीवी चला दिया था। फिर मैं काम कर रही थी, हनु के पापा भी चले गए थे सोफे, और देखे बीच में हनु बोला था मम्मी पाटा, फिर मैंने सोचा कि चलो उसको ये सेक के दे देती हूँ, ठंडा सा हो जाएगा इतना, आप लोग भी खा लीजिए। और फिर देखे यहाँ पे मैं खाना बना पराठे बनाने के बाद ये हनु के पापा ले आए थे केले और आम, मैं इनको धुल के रख रही थी। और जो दूध के बर्तन थे, थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं, वो मैं फिर साफ करके रख दूंगी अभी। और मैं ये केले धुल के रख देती हूँ और आम भी, और फिर मैं ये बर्तन साफ कर दूंगी जो थोड़े से हैं। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे नाश्ता, अभी नाश्ता नहीं किया था, मैंने सोचा चलो जो काम ख़त्म हो जाए हो ही जाए, तो इसलिए मैं कर रही हूँ बर्तन साफ भी। एक रोटी दिखाएंगे, चलो ये देख लो, और इसको पराठा दिया था मैंने खाने के लिए, और ये देख लो ये पड़ा है यहाँ पे पराठा, ये टुकड़े पीसेस करके देते टुकड़े तोड़ के, और ये सारे यहाँ डाल रखे। रुक जा बाहर से देवेंगे, बाहर से तो पापा ही खोल लेंगे बेटा आगे, चलो यहीं कोई डाल दो, डाल दो वहीं कोई, कहाँ को डालेगा नु रोटी, इधर से डाल दो। ये है इसका शॉर्टकट रोटी डालने का, गाय को जो कुछ भी फंसता है सब लावेगा और इधर से गेट में से पास कर देता है। लो किसने डाले थे ये यहाँ पे, हम किसने डाले, ये खाया भी तो नहीं, एक दो पीसेस में से क्या खाना है नुगु, अव्वा तो बनाना तो खा ले, बनाना छील के रखवा दिए इसने यार, खाया नहीं है, चलो अव्वा खा लो पांटा ले लो, लो आपका पांटा ये रहा, चलो खाओ, गम भी है वो कहाँ फिर पर्दे डाल देगा, अरे अपना पांटा वहां डाले कर तूने गेट में गंदू, चलो भाई नाश्ता कर लीजिए, आप लोग भी कर लीजिए हम भी कर लेते हैं। देखिए जी सब काम हो गया, वो मेरा हनु भी नहा लिया है, देखो हनु ने क्या की, क्या किया हनु ने, नहीं क्या किया, नहीं सोना बाबू बन गया नु, और अभी 10 बजने वाले हैं, बजे नहीं है अभी, देंगे बेटा रुक जा। और अब आज मेरे को जाना है बहुत जरूरी काम, और जरूरी काम क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, आज जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और देखते हैं फिर हॉस्पिटल में क्या होता है, मतलब की लगती है नहीं लगती है, वो तो वहीं पे जाकर पता लगेगा अभी। और अभी हम लोग तैयार है, ये देख लो हम कहाँ जा रहे हो, दुपट्टा लेके कहाँ जाना है आपको, ये मम्मा का दुपट्टा की इस तरह है। और अभी चलते हैं फिर हनु के पापा को भी बोलूंगी कि चलो आप भी चलो, और उनको तो लेके जाना पड़ेगा, और चलो बस फिर चलते हैं, फिर देखते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है, मेरे को थोड़ी घबराहट भी हो रही है, वैसे मेरे को इंजेक्शन लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती। रुक जानो कहाँ जाना आपको, इसको लड़के को तो चुप हो जाए चुप, चलो चलो सैंडल लेके आओ, अपने अपनी सूज सूज लेके आओ, जल्दी सूज लेके आओ, जल्दी मैं पहनाऊंगी, ले जल्दी सूज। और अभी बस हनु को पहना देती हूँ सैंडल, गया है वो। ये देखो इधर यहाँ पे लगेगा वैक्सीनेशन, यहाँ पे एंट्री है, और यहाँ पे भीड़ देखो कितनी हो रही है, और इधर हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन, इधर भी कितनी भीड़ है, गर्मी में तो बुरी हालत हो जाएगी यहाँ पे हनु के साथ में, अरे बहुत भीड़ हो रही है, हनु तो हो गया साइड में खड़ा, वैक्सीनेशन सेंटर। और यहाँ पे फिर मैं जो पहले मैं पीछे ही खड़ी थी, तब तक सब चले गए थे, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा था यहाँ पे, और मेरे पीछे तो 2-3 ही लोग थे बस, सब आगे ही थे, तो लास्ट में मेरा नंबर था, ऐसे 10-15 ज़्यादा भी नहीं थे, 15-20 के आसपास थे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के फिर वैक्सीनेशन के लिए जाना था दूसरे रूम में, और यहाँ पे मैं करा रही थी अपना रजिस्ट्रेशन, ये देखिए। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी ये इसमें वैक्सीनेशन रूम में, जहाँ पे ये वैक्सीनेशन हो रहा था, और यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, रश भी था, ज़्यादा तो नहीं था, पहले देख के लग रहा था कि काफ़ी रस है, मन वापस आने का हो गया था, लेकिन फिर सोचा कि चलो जब आए हैं थोड़ा टाइम लगेगा तो लगवा के ही जाएंगे। और यहाँ पे मैं लगवा रही थी ये वैक्सीन, कोविड वैक्सीनेशन वैक्सीन, और हनु बोल रहा था देख के मम्मी सुई, हनु को डर लग रहा था, वो मेरे सुई लगा रहे थे और हनु डर रहा था, अपने पापा को बोल रहा था कि पापा मम्मी सुई
उसको ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मम्मी को सूई लग रही है। और फिर वहाँ से आके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने बनाए थे दाल चावल। दाल तो मैंने उबाल ली थी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ दाल की तड़के की तैयारी। और दाल मैंने मलका मसूर बनाई थी और चावल भी बना लिए थे। दाल थोड़ी ये मेरी टाइट हो गई थी, गाढ़ी हो गई थी ज़्यादा, फिर जो मांड निकला था वो मैंने दाल में डाल दिया था, उसका भी यूज हो गया और दाल पतली हो गई। अनु ये तो सो गया टीवी देखकर, बहुत तेज आवाज में टीवी चल रहा है। मम्मी करी थी मैंने, और मेरा बेटा सो गया है, कैसे हो गया। चलो मैं इसको अच्छे से लिटा देती हूँ। मैं तड़का लगा के आई हूँ और मैं बता रही थी ना कि हनु टीवी देख रहा है। मैंने टीवी चलाया था लेकिन वो चला तो दिया था, बट उसको कहीं पे सेट नहीं किया ना उसकी वॉल्यूम कम की, और हनु ना ऐसे अल्टे पलटे मार रहा था बेड पे और वो ऐसे ही करके ना सो गया। मैं रसोई में काम में लगी थी, पहले मैंने चावल निचोड़े फिर दाल में तड़का लगाया और मैं सोची कि वो टीवी देख रहा है और वो सो गया। आज पहली बार हुआ, नहीं तो वो मैं सुलाती हूँ तभी सोता है, ऐसे सोता नहीं है खुद से, दूध पी कर ही सोता है। पर वो मांग तो रहा था कि मम्मा दूध दो, मैंने बोले कि बेटे मैं अभी गैस बंद करके आ रही हूँ, सीटी आ रही थी गैस उसमें कुकर में, मैं उसको ला रही थी लगाए कि थोड़ी देर लेट जाएगा। और इतना मैं आके देखा ना अपना काम करके रसोई में, वो बेचारा सो गया ऐसे ही, अब थोड़ी देर में उठ जाएगा, फिर उसको देखूंगी दाल चावल खिला दूंगी थोड़े से। और मेरे इस हाथ में लगी थी वैक्सीन, लग रहा है और इसमें थोड़ा हल्का हल्का सा पेन है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, फिलहाल तो हल्का ही है, अब तो ठीक है, जब लगा था तब हो रहा था, अब थोड़ा ठीक है और शाम तक पता लगेगा। टैबलेट दी थी हॉस्पिटल में कि भाई रात में ले लेना, तो मैं वो रात में लूँगी। हनु के पापा के तो कल लग गई थी, उन्होंने बताया नहीं, लगवा के आ गए तब बताया कि मैं वैक्सीन लगवा के आया हूँ। फिर मैंने उनको अकड़ाट हो गया था, जैसे शरीर में थोड़ा फीवर के ऐसा हो जाता है, अकड़ाटपन से ऐसा हो रहा था, फिर मैंने उनको दवाई दे दी थी रात में, अब तो ठीक है वो, और देखते हैं मैं भी रात में लेके ही पढ़ूंगी। फिर मैंने ये लीजिए जी खाने, खा लीजिए, अनु के पापा आ गए हैं और आज ये काफ़ी लेट हो गए, सारा दिन बस इधर से उधर बेचारे अकेले ही करते रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, और 2:30 बज गए हैं और अब खा रहे हैं खाना। और हनु तो उधर सो रहा है तो इसीलिए मैं इधर ले आई थी दूसरे रूम में, मगर इधर बैठ के खा लेंगे आराम से। उठ गए, ये लीजिए जी गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल और मेरा भी फेवरेट फल आम है तैयार, आप लोग भी खा लीजिए, ये देखिए। और आज ये खाने वाले आम तो आज ही लिए हैं हमने, और देखिए अभी बताते हैं टेस्ट करके, पहले जूस वाले थे ना वो दूसरे, ये तो वैसे हैं खा। और यहाँ पे फिर ये देखिए हनु सो के उठ गया था और फिर ये चल रही थी इसकी गाड़ी, कभी स्पेस टूल लेके, कभी गाड़ी से, कभी एक दूसरी गाड़ी है, बस पूरा दिन इसका ऐसे ही खेले थे, कभी बोल कभी कुछ। और बस आज मेरे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, और बस इस व्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और ऐसे ही हमारे डेली व्लॉग्स देखते रहे। बाय बाय, धन्यवाद, और कोविड वैक्सीनेशन भी सभी करा लें प्लीज़।